सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों जैसा कि आपको मालूम है, हम करा रहे हैं आपका एलिगेशन यानी मिसड। और मिसड के चैप्टर में मैंने इससे पहले पार्ट नंबर 3 तक करा दिए हैं, यानी लेक्चर 3 आपको दे दिए हैं। आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके में कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और आपकी ये कंसेप्ट क्लियर हो जाने के बाद आप इन क्वेश्चनों को और नहीं हल कर पाएंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे निवेदन होगा कि आपने अगर पहले के कोई भी पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जाकर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप उन्हें देख लोगे तो आप अच्छी तरीके से इन क्वेश्चनों को समझ सकते हो, क्योंकि इनका जो कंसेप्ट है और पहले जो मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ उनसे कुछ कोरिलेट होता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वो भी करने हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इस पहले क्वेश्चन में कहा हुआ है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको करा दिया है, ठीक है। तो अब आपको इसमें कतई टाइम नहीं लेना है और आपको पहले इसकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो इसमें लिखा है जैसे एक कक्षा में 75 विद्यार्थी हैं, ठीक है, जिनके बीच में 48 रुपयों को हमने बांटा है, ठीक है। प्रत्येक लड़के को जो पैसे मिलते हैं वो मिलता है 1 रुपया और लड़कियों को मिलते हैं वो प्रत्येक को कितने मिलते हैं 40 पैसे। तो लड़के व लड़कियों की संख्या बताओ। तो इस प्रकार का मैंने क्वेश्चन आपको कल करा दिया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आज हम करने वाले हैं, यानी हम ऑरली भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको समझने में दिक्कत ना हो इसलिए मैं आपको पहले वैसे करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ऑरल करके दिखा दूंगा। देखिए इधर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे ये क्वेश्चन पहला, देखिए यहाँ पे क्या है, इधर लिखा मैंने बॉयज, ठीक है, और इधर गर्ल्स लिख दिया, गर्ल्स, ठीक है। अब बॉयज को कितने 1 रुपया मिलता है, 1 रुपया यानी 100 पैसे, 100 पैसे हमें पैसे बनाना है, ठीक है। और इधर जो गर्ल्स हैं उनको कितने 40 पैसे मिलते हैं, 40 पैसे ऑल ओवर। इनको जो इनका जो एवरेज है वो कितना है, तो हम निकालेंगे 48 रुपए, ठीक है, मिल रहे हैं। तो 48 रुपए को हम कर देंगे पैसों में कन्वर्ट, और यहाँ पे हमें कितने विद्यार्थी है, 75 विद्यार्थी है। तो देखते हैं कितना एक को प्रत्येक को यानी मिलता है, एवरेज कितना मिलेगा, तो इसे हम काट लेंगे, तो ठीक है। तो ये 4 बार 25 चौक हो जाएगा 100, और 75 या 75 तीन जैसे काटें तो 16 बार कट जाएगा, और 16 चौके 64, ठीक है। तो 64 पैसे यानी एवरेजन जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, प्रत्येक को 64 पैसे। तो 64 पैसे में इधर रख दूंगा 64 पैसे, ठीक है। अब इनके बीच में हम इनका डिफरेंस निकालते हैं, तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 36, ठीक है, और इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 24। अब इनको आप काट लीजिए, आप अपने रेशियो निकालिए इनका, तो ये 6 चौके 24 और ये 6 रिंग 36 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये कट जाएंगे तो अब कितना आ जाएगा 2 रेशियो 3, ठीक है। अब यही जो टोटल इनकी जो यूनिट होगी, यूनिट कितनी इनकी होगी, पूरी इनकी होगी 5 यूनिट, और 5 यूनिट की आपको दिया हुआ है कितना, कितने विद्यार्थी है 75 विद्यार्थी है, तो 75 लिख दिया, ठीक है। अब इसे हम काटेंगे तो ये कितने बार कट जाएगा, 1 यूनिट = आ जाएगा आपका 15, ठीक है, यानी 15। अब 15 आ गया तो ये कितना हो गया, तो ये हो गया 30, ठीक है, 15 × 2 = 30 हो गया, और ये हो गया कितना, 15 × 2 = 45। तो यहाँ पे जो बॉयज हो गए वो कितने हो गए 30, और गर्ल्स हो गई वो कितनी हो गई 45, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ऐसा हमने कल भी आपको एक क्वेश्चन कराया हुआ था, ठीक है। तो आप देखो हम इसको ऑर्डरली बताते हैं आपको कैसे करना है। तो पहले आपको क्या दिया हुआ है कि 75 विद्यार्थी है, ठीक है, कितने 75 विद्यार्थी हैं आपके, और उनमें से आपको क्या करना है, उनमें 48 रुपए बांटने हैं, ठीक है, सभी में। लड़कों को मिलता है 1 रुपया प्रत्येक को, और लड़कियों को मिलते हैं 40 पैसे, ठीक है। तो हम इनमें पहले एवरेज निकाल इनका निकालते हैं क्रॉस मेथड से, एलिगेशन से, ठीक है। तो इधर हमारे लड़के हैं 1 रुपया मिल रहा था प्रत्येक को, तो हम इसे 100 पैसे कर लेंगे, ठीक है। और इधर लड़कियां हैं तो इन लड़कियों को मैंने 40 पैसे, ये 100 ये 40, ठीक। अब इनका एवरेज कितना था, तो 48 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, 48 रुपए सबको, ठीक है। तो 48 रुपए को हम पैसे में कन्वर्ट कर देंगे, प्रत्येक को कितने पैसे मिलेंगे एवरेज, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, तो 48 × 100 यानी हम उसे पैसे बना लिया, और नीचे से हमने 75 का भाग दिया। क्यों दिया 75 का भाग, क्योंकि हमारे पास 75 लड़के थे और हमें एक लड़के का एवरेज जो पड़ता है वो हमें निकालना है, ठीक है। तो हमने 25 से काटा, 25 चौके 100, और 25 × 3 = 75। अब ये 3 है, 3 से 48 काटेंगे तो 16 × 3 = 48 होता है, 16 और 4 ऊपर 4 आ गया था, 16 चौके 64,
64 हो गया, 64 एवरेज निकल आया। तो इधर हमारे 100 हैं, इधर हमारे 40 हैं और हमने बीच में रखे 64, ठीक है। तो 100 और 64 का अंतर निकालेंगे तो कितना जाएगा 36, और 60 का इधर जो 64 रखा हुआ है और इधर रखा है 40, इनका दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना 24 निकल के आएगा, ठीक है। जब उनमें 24 और 36 में हम काटेंगे तो 12 × 24 × 36, तो 2:3 आ गया, ठीक है। अब 2:3 आ गया तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो 5 यूनिट हो गया, और यही 5 यूनिट आपको जो 5 यूनिट है आपका, ये 5 यूनिट यही 75 के बराबर दिया, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई तो 15 आ गई, ठीक है। आप 15 तो करेंगे 15 का 2 में करेंगे तो 5 × 30 हो जाएगा, 15 × 30, ठीक है। और इधर हो जाएगा कितना, 15 × 45, तो कितने 30 लड़के आ गए और 45 कौन आ गई, 45 लड़कियां आ गई, ठीक है। अब देखिए, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन चलने वाले हैं। यानी जैसे आपको जानवर दिए होते हैं और मैं आपको सिर पैर की बात करता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम एकदम हवा में करेंगे, ठीक है। एकदम आसानी से ऐसा मेथड आपको पहले किसी ने नहीं बताया होगा जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। अब इसमें हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे हैं, इन्हें हम ऑरली हल करेंगे। जैसे जानवर दिए होते हैं उनके पैर सर की बात करता है, तो कितने जानवर हैं, मुर्गियां कितनी हैं, मुर्गे कितने हैं, ठीक है। या आपके मान लीजिए बकरियां दी हैं तो बकरियां कितनी हैं, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो क्वेश्चन होते हैं आप उन्हें ऑरली हल कर सकते हो, ठीक है, एकदम हवा में उड़ा सकते हो उनको आसानी से। ऐसी ट्रिक आपने पहले कभी नहीं देखी होगी, वो ट्रिक आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करना, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ खरगोश तथा कुछ मुर्गियां हैं, कुछ खरगोश हैं और क्या है, कुछ मुर्गियां हैं जिनके सिरों की संख्या कितनी है, 50 है। अब देखिए, चाहे तो वो खरगोश हों चाहे मुर्गियां हों, उनके सिरों की संख्या तो हमेशा ही समान रहेगी। कैसी रहेगी, मतलब एक ही सिर तो होता है, समान का मतलब मेरे कहना मतलब है एक ही सिर तो होता है सभी का, तो एक सर होगा हम सबका, पर उनके जो पैर होंगे वो आपकी सिचुएशन आपकी बदल जाएगी। यहाँ पे देखिए 160 पैर दिए हुए हैं दोनों के, ठीक है। तो अब बताइए कि आपका जो रैबिट होता है यानी जो खरगोश होता है उसके पैर कितने होते हैं आपके, 4 होते हैं, और जो आपकी मुर्गी होती है उसके पैर कितने होते हैं, उसके पैर होते हैं 2 आपके, ठीक है। तो अब देखिए ये 50 यानी क्या है, 50 क्या है, ये सिर दिए हुए 50, तो यानी सिर 50 दिए हुए यानी 50 जानवर है, ठीक है, इतना तो मैं मालूम है। अब 50 सिर दिए हुए हैं तो हम इन 50 सिर वालों को मैं इनके क्या करता हूं, इनको मैं पैर देता हूं, क्या देता हूं, पैर देता हूं। तो इनमें देखिए कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन है 2, तो 2-2 पैर हम इन सबको दे देते हैं पहले से, यानी मुर्गियों को भी मैंने 2 पैर दे दिए और 2 पैर दे दिए खरगोशों को। अब 2 पैर दिए तो मैंने कितने पैर दे दिए, यानी 100 पैर दे दिए। अब किसकी किल्लत घट गई, पैर, यहाँ पैर लेना पैसे नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने किसकी किल्लत काट दी, यहाँ पे हमने मुर्गियों की किल्लत काट दी, मुर्गियों को उनके पैर दे के उन्हें भगा दिया, मैंने कहा चलो तुम निकलो यहाँ से, मैंने मुर्गियों को यहाँ से पैर दे के भगा दिया। अब हमारे पास पैर कितने रह गए, तो पैर टोटल कितने थे हमारे पास, 160, और 160 में से अगर जब 100 पैर हमने जमा दिए तो कितने पैर बचे, 60 पैर बचे, कितने बचे, 60 पैर बचे। अब ये पैर किसके, बताइए किसके पैर, ये पैर किसके रह गए, तो ये पैर रह गए किसके, खरगोश के, तो खरगोश 2 पैर लेके खड़ा हुआ है। अब भाई खरगोश को 2 पैर मिले अभी कैसे जाएगा वो, उसे 2 पैर और चाहिए, उसे 2 पैर और दो, ठीक है। तो कितने बच गए खरगोश, ठीक है, तो हमें 2 पैर और खरगोश के देने हैं, ठीक है, 2 पैर देने हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 रह गए शेष, 2 से लाभ दे दो इसमें, तो कितना आ गया 30, यानी 30 खरगोश है, कितने खरगोश है, 30 खरगोश है, ठीक है, बस 30 खरगोश निकला है आपके, इन 30 खरगोशों को और 2-2 पैर दे, कोई भाव 30 खरगोश निकल आए और टोटल थे आपके नंबर कितने, 50, तो कितने रह गई मुर्गियां, तो मुर्गियां रह गई 20, क्योंकि जब 30 हो गए आपके खरगोश तो मुर्गियां कितने रह गई, तो 20 मुर्गियां रह गई, बस हो गया क्वेश्चन, ऑली हवा में, ठीक है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कुछ खरगोश है कुछ मुर्गियां, ठीक है, उनके सिरों की संख्या कितनी ज्यादा, उसने 200 दे दिया, यानी हमें यहाँ से पूरा मालूम पड़ता है कि इनकी जो जो जानवर है वो कितने हैं, ये आपके हैं 200, ठीक है, कितने जानवर हैं आपसे, 200 जानवर हैं, ठीक है, कौन कौन है, तो यहाँ पे भी खरगोश और मुर्गियां हैं, ठीक है। तो खरगोश के आपको मालूम 4 पैर होते हैं और मुर्गियों को होते हैं 2 पैर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, जो जो ये 200 दिए हुए 200 को 2-2 पैर दे के भगाओ, 200 को 2-2 पैर को, तो कितना दे दिए, 400 पैर दे दिए, कितने दे दिए, 400 पैर दे दिए हमने, 400 पैर दे दिए। तो अब इसमें से किसकी किल्लत कट गई, किसको पूरे पैर मिल गए, यानी मुर्गियां तो अपने पैर लेके भग गई भैया, निकल गई मुर्गियां, अब कौन रह गया, अब रह गया कौन, खरगोश, खरगोश को कितने पैर और चाहिए,
तो दो पैर और चाहिए। आप देखिए दो पैर जब चाहिए तो आपको कितना है, यहाँ पैरों की संख्या कितनी है 580, तो 580 में से हमने यहाँ से 400 घटा दिया, 400 जब हमने घटा दिया तो 180 बचे। 180 जो है ये किसको पैर मिलने हैं, तो ये मिलने हैं आपको खरगोश को, तो खरगोश को दो दो के हिसाब से मिलने, क्योंकि दो दो ही अब चाहिए उनको, क्योंकि दो दो पहले से लेके बैठ गए वो, तो कितना बच गया 90, और 90 क्या बच गए, 90 ये हो गया आपके खरगोश, कौन हो गए खरगोश, 90 हो गए खरगोश। और टोटल जानवर कितने थे आपके, टोटल जानवर थे 200, तो 90 खरगोश हो गए, तो फिर कितनी मुर्गियां बच गई, तो कितनी बच गई 110, अगर 90 और 110 को जोड़ दोगे तो आपको कितने आ जाएंगे पूरे 200, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे क्वेश्चन को हवा में कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चनों को कैसे आसानी से कर सकते हो, खरगोश और ये जैसे कोई भी जानवर वाले क्वेश्चन होते हैं ये तो हवा में उड़ने वाले होते हैं, ठीक है। अब देखो इन्हें ओरली भी कितनी जल्दी हल कर सकते हो, जैसे पहले क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, क्या दिया हुआ यहाँ पे देखिए, यहाँ 50 जानवर दिए हुए हैं, खरगोश है मुर्गियां हैं। अब देखिए खरगोश मुर्गियों को, खरगोश के चार पैर, मुर्गियों के दो पैर, ठीक है। तो दो दो पैर देकर उनको बढ़ा, पहले मुर्गियों को किल काट दो, दो दो पैर दिए, दो दो पैर दिए 50 को, ठीक है। तो 50 में 100 पैर लेके भाग गए, वो कौन भाग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भाग गया है वो कौन भाग गया है, यहाँ पे मुर्गियां भाग गई है, कौन भाग गई है, मुर्गियां भाग गई है, क्योंकि दो ही पैर चाहिए तो वो तो चल गई, चलती निकल गई, ठीक है। अब कौन रह गया, अब रह गया खरगोश, तो खरगोश को कितने पैर, अब कितने बचे पैर आपके पास, 100 दे दिए, 160 थे आपके पास पूरे, 100 दे दिए 160 थे, 160 थे तो उसमें 60 बच गए। अब 60 बच गए तो दो दो पैर और चाहिए खरगोशों को, तो फिर दो से हमने 60 को काट दिया, 30 खरगोश आ गया, बस 30 खरगोश आ गए, तो 50 पूरे जानवर थे, तो 20 मुर्गियां थी, मुर्गियां 20 थी, तो वो अपने पैर लेके उड़ गई थी वहां से, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इस तरीके से क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्वेश्चन क्या था, 200 जानवर थे, और 200 जानवर थे तो 200 जानवरों को हमने क्या किया, इनको दो दो पैर दिए पहले, तो 200 दूनी 400 पैर दे दिए। अब इसमें अब देखिए कौन नहीं भग सकता, मुर्गियां तो भग गई, अब भग को नहीं सकता, खरगोश नहीं भग सकते, क्योंकि उन्हें दो पैर और चाहिए तभी वो निकल पाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो दो पैर और चाहिए, तो दो पैर और हमने देने, तो अभी पैर कितने हमारे पास बचे, 580 दिए थे, तो 580 हमने घटाए 400 घटा दिए 580 में से, 180 बचे। 180 किसके पैर बचे, ये खरगोश के पैर बचे, तो हम दो से काटा तो 90 बार कट गया, तो यानी अब 90 यहाँ खरगोश हैं जो रुके हुए थे खरगोश, तो 90 खरगोश हो गए, तो मुर्गियां कितनी रह गई, तो मुर्गियां हमने 200 में से घटा दी, तो 110 मुर्गियां रह गई, बस आसान सल हो गया, ठीक है। तो आप बताइए आपको वीडियो कैसा लगा है, आप इस वीडियो को बता सकते हैं, और इसे देखिए ऐसा ही नहीं, इसी से क्वेश्चन अलग होंगे, ठीक है, ये एलिगेशन से क्वेश्चन अलग हो जाएंगे, देखिए हम करके दिखा देते हैं फिर आपको, यही शॉर्ट ट्रिक शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी नहीं लगेगी एलिगेशन वाला सिस्टम, इसलिए मैं नहीं करा रहा था, ठीक है। चलिए मैं करा देता हूँ, फिर आप कहोगे शायद, ठीक है, एलिगेशन से आपको अगर करना है तो उससे भी कर लीजिए, उससे भी आसानी से पढ़ लोगे आप उसे, आपको वो मेथड अच्छा नहीं लगेगा, ये बात, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो रैबिट हैं उनके कितने हैं, चार पैर हैं, कितने हैं, चार पैर हैं, और मुर्गियां हैं उनके कितने पैर हैं, मुर्गियों के दो पैर हैं, ठीक है, कितने हैं, दो पैर हैं, एवरेज निकालते हैं तो कितने हैं 160 पैर, और पट्टे में मैंने लगाया इसका 50 का, क्योंकि 50 संख्या है, 50 जानवर है, तो 50 से लगा लगाएंगे तो कितना आएगा, तो काट दीजिए से, तो 5 × 5 = 15 पॉइंट लगा दिया, 5 × 10 3.2 एवरेज उनके निकल आए, ठीक है। 3.2 हमने इधर रख दिया, 3.2 अब इसका निकालो अंतर तो कितना आएगा 1.2, ठीक है, इसका अंतर निकालोगे तो कितना आएगा पॉइंट, और पॉइंट से पॉइंट गया, ठीक है, चार से काटो तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8 कितने में आ गए, 3 और 2 के रेशियो में आ गए, तो इतना हो गया 5 यूनिट हो गया, 5 यूनिट ही आपका किसके बराबर है, तो आपका दिया हुआ कितने 50 जानवर, तो 50 के बराबर है, तो 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 10 आ गया, तो यहाँ पे फिर कितना हो गया, ये रैबिट कितना हो गया 30, और ये यहाँ पे जो मुर्गियां हुई कितनी हो गई 20। इस तरीके से भी आप इन क्वेश्चन को हल कर सकते हो आसानी से, ठीक है। आप वैसे नहीं करना तो इस तरीके से कर लो, वैसे वैसे अच्छा है, वैसे ही कर लो, जब आपको शॉर्ट ट्रिक मालूम है फिर क्यों दिक्कत कर रहे हैं उससे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, वीडियो कैसा लगा है बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए इस वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।